बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सियावत रामचंद्र की जय। सती हृदय अनुमान किया सब जाने वरवाग्य, रामा सब जाने सर्वाग्य की, न कपट में संभुजन नार सज जड़वाग्य, सियावत रामचंद्र वध। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तो जल उपाय अब सारे सब बेकाय, देखो प्रीत के रीत भले, बेलग हो रसुजा आए कपट खटाई पर तपोने। तो प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। तो हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं वरनी, कृपा सिंधु से वो परम अवारा, प्रगटन कहे मोरा पुराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। तो शंकर रोका आवलो के भवानी, प्रभु मोहिता जे हृदय अकुलानी, निज अग समझे न कछु कहे जाई, तपे अवां एव और अधिकाई। तो सती जी का रुख देखकर, शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। तो सते हैं ससोच जाने ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू, वरनत पांत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रज केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहां पौने सांबो सामोजे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। फिर वहां शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तो सती वसई कैलाश तब अधिक सोच मनुमाय, रामा अधिक सोच मनुमाय, मरम न को जान कचो जुग सम दिवस सिराय, सियावत राम चंद्र वध। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।
तो नेत नव सोचु सती और वारा कब जे हम दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुण्य पति वचन मृषा कर जाना। तो सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, फिर मैं उस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। तो सो फल मोहे वेदाता दीना जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब वेद आता बूझे नहीं तोई शंकर विमुख जे आवसि मोहि। तो उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। तो कहे न जाए कछु हृदय गलानी मन मोह राम अहे सोमेर सयानी। जो प्रभु दीन दयालो कहावा आरत हरन वेद जसुआवा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिनाया कराऊं कर जोरी छूटूं बेग देह यह मोरी। तो जो मोरे से विचरण सने मन क्रम बचन सत्य व्रत ए तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है तो ताओ सब दरसी सुने प्रभु करूं तो बेग उपाय रामा करूं तो बेग उपाय। होय मरण जे बिनय श्रम दुसब पति बिहाय सियावद राम चंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तो एहि बेद दुखे त प्रजे स कुमारी अकथनीय दारुण दुख वारी। बीते सामत सहस सतासी तजी समाधि सामो अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने सदा समाधि तोड़ी। तो राम नाम से विसो मेरा न लागे जाने सती जगत पति जागे।
जाय सांबो पदवानु की ना सनमुख शंकर आसन दीना। तो शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। तो लगे कहना हरे कथा रसाला, दक्ष प्रजेश वे ते काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाए मधुनाही। तो जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रव सुधा दरद अजर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखें। बोलो जय सियाराम।